ओडिशा का रसगुल्ला है ना। ये छेना पड़ा है। ये भी मतलब ओडिशा का है। हाँ, ये देव का ये दही भरा राजा आप टेस्टी है, बहुत मजा आया। मिछली दोबारा ऑर्डर करो। तो है गाइस, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक और नए फूड ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना, स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखो अपने रायपुर शहर में ओडिशा का कुछ देसी फूड आया हुआ है। आप लोगों को बोर्ड पे दिखाऊं, देखो यार बोर्ड पे मेंशन है टेस्ट ऑफ ओडिशा। अब देखो जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता था ना, तो कई बार देखा हूँ सर का मतलब ये फूड स्टॉल, बट मैं टाइम नहीं था तो ब्लॉग नहीं बना था। आज फाइनली टाइम निकाल के आ गया हूँ, तो इस ब्लॉग में पूरी जानकारी देने वाले हैं इस फूड स्टॉल के बारे में, क्या आइटम है, टाइमिंग क्या है, प्राइस क्या है, टेस्ट भी आप लोगों को फुल रिव्यू बताने वाला हूँ, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो पीछे आपका रायपुर शहर का मरीन ड्राइव, सामने पड़ेगा देखो मद्रासी रेस्टोरेंट, और उसके अपोजिट में होगे ना तो भैया का ठेला मिल जाएगा। अब सुनने में ये आया है कि ठेला ज़्यादा देर शाम तक ओपन नहीं रहता है, क्योंकि मतलब पुलिस प्रशासन का कुछ दिक्कत होता है। तो भैया से बात करते हैं कब ओपनिंग है, कब क्लोजिंग है, सब कुछ आइए आप लोगों को डिटेल में दिखा रहा हूँ। आपका नाम? शुभ नाम जितेंद्र कुमार साहू। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? ओडिशा से। ओडिशा। अच्छा, ओडिशा के रहने वाले हैं। इस स्टॉल में क्या क्या मिलने वाला है? अभी छेना पड़ा है। ये छेना पड़ा है? ये भी मतलब ओडिशा का है। हाँ, मेन चीज वही मीठा में पहले यही मीठा ज्यादा मीठा में ही फेमस ओडिशा में। अच्छा, और इसके रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला भी ये यहाँ का रसगुल्ला, हमारा रसगुल्ला अलग रहता है। अच्छा, तो ये देखो जी आपका ओडिशा का रसगुल्ला है ना, ये शुद्ध मतलब वहाँ का रसगुल्ला है। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन सा फूड है? दही बड़ा देखा है? दही बड़ा दिखाइए, सब फूड दिखाइए हमारे वाला। ये देखो गाइस, ये दही बड़ा, ये दही बड़ा रहता है। अच्छा, अभी खत्म हो गया है। ये आलू दम रहता है। अच्छा, आलू दम भी है। दम। और इसके अलावा कोई और फूड? और ये बड़ा भी रहता है, बड़ा। अच्छा, ये आपका बड़ा भी रहेगा। तो कुल मिला के देखो इस आपको मतलब फूड स्टॉल में 5-6 आइटम शुद्ध जो ओडिशा का है वो मिलने वाला है। सर, ओपनिंग टाइम क्या है, कब चालू कर दिया अपना फूड स्टॉल? 2005 में चालू किया। अभी सुबह कब लगाते हैं? सुबह यहाँ 8 बजे। सुबह 8 बजे चालू रहता है। रात को बंद कब करते हैं? 5 बजे। 5 बजे बंद हो जाता है, यानी कि जिसको भी खाना हो 8 से 5 के बीच में आए। हाँ, चलिए। तो अपन अभी इनका मीठा जो छेना, क्या पता है छेना है ना? छेना पूरा। तो मेरे को थोड़ा टेस्ट कराइए छेना पूरा, है ना? रसगुल्ला जरा बेहतरीन लगता है इस चीज। देखो ये अपना छेना पूरा जो कि 100 ग्राम का आपका 40 रुपये है, मैंने मतलब 50 ग्राम लिया और 20 रुपीज़ का, और एक ऊपर रसगुल्ला लिया हूँ, दोनों का कंपेयर करके बता दूंगा कितना। सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि ओडिशा का जो छेना पूरा है और रसगुल्ला है वो लगता कैसे है। आप लोग कलर में दिखाऊँ तो कलर देखो थोड़ा सा अलग है, हल्का से येलोइश टाइप का है। इसको पकड़ेंगे सर आप। तो ये है गाइस अपना छेना पूरा का फर्स्ट बाइट, जो कि ओडिशा का ऑथेंटिक फूड है और इसको रायपुर में हम ट्राई कर रहे हैं। मस्त है, मीठा तो है। रसगुल्ला खा के देखो ना, बहुत पूरा राजा आप टेस्टी है, पूरा उठाए खा। अभी इनका रसगुल्ला भी ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है, राइट? ये छेना पूरा बनाते कैसे हैं? वो दूध को फूट के पनीर बना के छेना बना, पनीर के बनाए राजा, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो देखो अगर आप लोग छेना पूरा ट्राई नहीं किया हो ना, तो एक बार आओ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको ट्राई करके बताना है, मतलब मज़ा आ गया। भाई पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक आधा आइटम और होगा उसको भी ट्राई करेंगे। और भाई साहब आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ये छेना पूरा है ना, मतलब मीठा कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ नहीं मिलेगा, आप लोग को बता दो रायपुर में आप लोग यही से आते हैं ना छेना, चाहे कितना भी मतलब आते हैं छेना। अच्छा, रायपुर में आप लोग कितना भी महंगा खा लो मिठाई, लेकिन इसका टेस्ट वाकई लाजवाब। ये एक पीस रसगुल्ला कितना प्राइस है वैसे? 10 रुपये। 10 रुपये का पीस है? 10 आते हैं, 20 आते हैं, बड़ा साइज इससे बड़ा उससे बड़ा। अच्छा, जितना बड़ा साइज होगा उतना मतलब प्राइस बढ़ते जाएगा। तो देखो जो रसगुल्ला है मैंने जो खाया है 10 रुपये का है, और 20 रुपये का है छेना पूरा, लेकिन भाई साहब मज़ा आ गया। दुकान है, दुकान एकदम शुद्ध देसी टाइप है। हाँ, देखो भाई साहब यहाँ का छेना पूरा और रसगुल्ला खाया, मज़ा आ गया। अभी रिक्वेस्ट किया हूँ, मतलब कम कम खा रहा हूँ, ज़्यादा खाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा ब्लॉग बनाता हूँ, तो सबको हाफ हाफ इस क्वांटिटी में ले रहा हूँ। तो अभी यहाँ का जो बड़ा है वो बोल रहे हैं कि स्पेशल होता है। अब देखो स्पेशल बड़ा दिखने में तो ऐसा है, अब इसको भी बनाएंगे,
और गैस वैस मतलब ऑन करके बनाने वाले, तो बनाने के बाद इनका जो बरा है उसका लाइव टेस्ट बताता हूँ। अच्छा मटर से बना है, तो ये है घुगनी और वो हो गया बड़ा। ये एक प्लेट का क्या प्राइस है वैसे? एक प्लेट का प्राइस 30 रुपये, 3 पीस देता हूँ 40 रुपये। अच्छा 3 पीस का 40 रुपये, ओके। अच्छा दही बड़ा भी उसे मिक्स कर दिए। ये क्या अपना चाट मसाला? जीरा मसाला। अच्छा जीरा मसाला, ये आलू दम। और ये है गाइस अपना आलू दम। अच्छा पूरा मटेरियल मतलब खत्म होने ही वाला है ना? हाँ। बारिश हो गया ना, खत्म हो जाता था जब बारिश हो गया ना। ये क्या है मिर्ची? मिर्ची का पानी अलग से देते हैं। तो ये गाइस देखो मतलब स्पेशल मिर्ची का जो पानी है वो अलग से डाला गया है, वो भी हरी मिर्च का पानी। ये क्या है का चटनी है? टमाटर की, टमाटर की चटनी। और ये मीठा, अच्छा मीठा चटनी। तो ये अपना आ गया यहाँ का फुल कॉम्बिनेशन ऑफ चाट। और देखो कितना मतलब पूरा भर भर गया है। इसका प्राइस कितना होगा वैसे? ये 30 रुपये। ये 30 रुपये का ओनली? 30। अरे वाह यार, देखो यहाँ कोई भी चाट खाओगे ना 30 रुपये में इतनी क्वांटिटी तो यार नहीं मिलेगी। मतलब दही बड़ा है, एक सूखा बड़ा दिए थे, उसके बाद इसमें और मटर का कुछ नाम बताया था, वो था घुगनी था, आलू दम था, दही है, सेव है, प्याज है, मिर्ची का चटनी है मतलब हरी मिर्च वाला, और ओनली 30। आप लोग क्वांटिटी देखो यार, मतलब वाकई मज़ा है यार। अगर आप लोग नहीं आए तो एक बार विजिट करो किराज, इसको मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद इसका टेस्ट बताता हूँ आप लोग। इसका नाम लिया तो क्या नाम लिया? दही बड़ा आलू दम। दही बड़ा आलू दम, आलू दम दही बड़ा बोलते हैं, दही बड़ा आलू दम बोलते हैं। ये आपको रायपुर में कहीं और नहीं मिलेगा? पहले में चालू किया 2000। आपके अलावा कोई है भी नहीं ना? मैं देखा हूँ रायपुर में कोई है ही नहीं। पढ़ रहा था क्या बंद कर जाए क्या मालूम नहीं मैं। मतलब लॉकडाउन में, लॉकडाउन में। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को बताओ जो फूड है ना काफ़ी स्पेशल है और रायपुर में सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। बाकी मैं इतना रायपुर घूमता हूँ मुझे कहीं दिखा नहीं है। और इसका नाम है आलू दम और क्या बताया? दही बड़ा। दही बड़ा मिक्सअप है। अब चलो फर्स्ट बाइट ट्राई करके देखते हैं। भाई साहब टेस्ट भी लाजवाब है, और दूसरी बात कि ना तो ज़्यादा तीखा है ना ज़्यादा मसाला है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब बैलेंस है। इसको एक खाने के बाद दूसरा कुछ नहीं खाया है। और 30 रुपये में इतना क्वांटिटी कहीं नहीं मिलता है। गूगल चार्ज चालू करो वाला, आप चालू कीजिए मैं दोबारा फिर आऊँ। तो भाई साहब 30 का चाट खाकर जो दिल है ना पूरा गदगद हो चुका है। तो देखो जस्ट मैं लाइव ख़त्म किया अपना चाट, और दो भैया लोग आए हैं तो इनको मैं जस्ट प्रमोट किया कि आप लोग यहाँ का चाट और जो छेना पूरा है वो खाओ। तो दोनों जाने के लिए भाई लोग मैं बनवा रहा हूँ देखो यहाँ, और अभी लाइव रिव्यू लेंगे भैया लोग से कि इन लोग को टेस्ट कैसा लगा। आप लोग पहली बार खाएंगे है ना? जी। पहले नाम सुने भी नहीं तो उड़ीसा का टेस्ट यहाँ रायपुर में है करके? यहाँ पे आते थे देखा था, बट आज पहली बार। आज पहली बार है ना? सेम मैं भी वैसे ही था, मैं भी देखता था बट खाता नहीं था, आज पहली बार ट्राई किया। अच्छा। तो आप लोग खाइए जल्दी से और टेस्ट बताइए है ना। बिल्कुल चलिए। जेन्युइन बताइएगा, फेक नहीं, जैसा लगे वैसा बताइए। क्या लगता है रायपुर में ऐसा मतलब कभी इस बजट में तो नहीं मिलेगा? इस बजट में नहीं मिलेगा, वही मैं भी बोल रहा था 30 रुपये में इतना क्वांटिटी में मिलने से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रियल में बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी है ना, इनका बड़ा का जो स्वाद है ना वो भी अलग है। अच्छा लग रहा है, प्लस आलू दम है, दही है, मिर्च है। मैं तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग नहीं आए हो ना एक बार आओ, और यहाँ का छेना पोरा, रसगुल्ला, और ये जो चाट बताए थे छन्ना भुगरी जो भी नाम था, मैं नाम बार बार भूल जा रहा हूँ,
उसके ऊपर जरूर ट्राई करना। और जो भी लोग ओडिशा से वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग बताने कि आप लोग मतलब ऐसा कब खाए थे, क्योंकि आप लोग का तो ये मतलब रोज का होता होगा कि रायपुर से मैं पहली बार आया है। तो वीडियो करते यहीं एंड, और आई होप गाइस कि आप लोग को ये ब्लॉग पूरा अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो क्या करना, लाइक करो, शेयर करो, जितने फॉरवर्ड करोगे ना नए लोग यहाँ आएंगे, खाएंगे, टेस्ट का मतलब एक जायका लेंगे। चलो मिलेंगे आपसे फाइनली नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। तो अभी देखो जाते जाते एक चीज़ और इंक्लूड कर दूँ, जो भाई साहब को दिखा रहा था पीछे बैठे थे, तो पहले पहली बार ट्राई किए थे हम लोग, और अभी ये दूसरी बार ऑर्डर कर रहे हैं और सेम चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया हम इसलिए दोबारा ऑर्डर करें। तो देखो मतलब ये वाला ना वाकई दिल को छू गया यार, इतना क्वांटिटी में रायपुर में मतलब कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर इसी चीज़ को किसी कैफे में खाते ना तो 80 से कम में मतलब नहीं मिलता, 80 आराम से लेते हैं ना, 100-150 खत्म हो जाता है, 100-150 आराम से खत्म हो जाता है, जबकि ओनली 30 मतलब लाजवाब।